हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सबमर्सिबल मोटर होती है वह इंडक्शन मोटर से स्टार्टिंग के समय अधिक एम्पियर लेती है, अधिक लोड पर स्टार्ट होती है। इंडक्शन मोटर जो होती है वह स्टार्टिंग के समय लगभग 1 से 1.5 गुना एम्पियर लेती है, और सबमर्सिबल मोटर होती है जो कि स्टार्टिंग के समय लगभग 1.5 से 2 गुना तक एम्पियर लेती है। तो सबमर्सिबल मोटर स्टार्टिंग के समय इतना लोड क्यों लेती है, इसके बारे में जानेंगे। और इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय रेटेड एम्पियर ही लेती है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबमर्सिबल मोटर जो होती है वह इंडक्शन मोटर से अधिक एम्पियर पर स्टार्ट होती है। सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टिंग करंट हाई होता है इंडक्शन मोटर से। तो इसमें 2-3 कारण होते हैं जिससे कि इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय रेटेड करंट लेती है और सबमर्सिबल मोटर स्टार्टिंग के समय अधिक एम्पियर लेती है, इंडक्शन मोटर से भी अधिक एम्पियर लेती है। और सबमर्सिबल मोटर जो होती है वह लगभग 1.5 से 2 गुना तक एम्पियर लेती है, और इंडक्शन मोटर जो होती है वह लगभग 1 से 1.5 गुना एम्पियर लेती है। यानी कि इंडक्शन मोटर रेटेड करंट पर ही स्टार्ट होती है। जैसे कि इसमें एक 6 HP की सबमर्सिबल मोटर है और एक 6 HP की इंडक्शन मोटर है। तो इसमें हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि इंडक्शन मोटर और सबमर्सिबल मोटर दोनों ही 3-phase AC सप्लाई से चलने वाली मोटर है, जो कि दोनों ही 6 HP की मोटर है। तो इसमें सबमर्सिबल मोटर है जो कि 6 HP की मोटर है। तो यह जो सबमर्सिबल मोटर है, यह स्टार्टिंग के समय जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय लगभग 12 से 13 एम्पियर पर स्टार्ट होती है। और यही 6 HP की इंडक्शन मोटर है जो कि लगभग स्टार्टिंग के समय लगभग 8 से 9 एम्पियर पर स्टार्ट होती है। तो इसमें सबसे पहला कारण यही होता है कि सबमर्सिबल मोटर जो होती है वह डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है, और इंडक्शन मोटर जो होती है वह डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट नहीं होकर नो लोड पर स्टार्ट होती है। और इंडक्शन मोटर में कई मोटरें ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है, और अधिकतर इंडक्शन मोटर वो होती है जो नो लोड पर स्टार्ट होती है, जिससे कि नो लोड पर होने के कारण वो स्टार्टिंग के समय अधिक एम्पियर नहीं लेती है। और सबमर्सिबल मोटर जो होती है उसमें पंप अटैच होता है, साथ में सबमर्सिबल मोटर के साथ में पंप फिक्स होता है, जिससे कि मोटर स्टार्ट होते ही पानी देना होता है, तो जिससे कि मोटर डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है, जिस वजह से वह अधिक एम्पियर पर स्टार्ट होती है। जिसमें कि जैसे ही कोई 6 HP की सबमर्सिबल मोटर है तो वह 12 से 13 एम्पियर के लोड पर स्टार्ट होती है। और इंडक्शन मोटर भी अधिकतर मोटर डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है। जो इंडक्शन मोटर डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है वह भी लगभग अधिक एम्पियर पर स्टार्ट होती है, जिसमें कि डायरेक्ट लोड कनेक्ट होता है मोटर पे। और सबमर्सिबल मोटर जो होती है वह लगभग सभी मोटर डायरेक्ट लोड पर ही स्टार्ट होती है। सबमर्सिबल मोटर में हम स्टार्ट करने के बाद लोड कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबमर्सिबल मोटर वाटर कूलेंट मोटर होती है, जो कि पानी के अंदर होती है मोटर, जो कि डायरेक्ट स्टार्ट होते ही उसे पानी देना होता है। तो सभी सबमर्सिबल मोटर डायरेक्ट लोड पर ही स्टार्ट होती है। और दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर नो लोड पर स्टार्ट होती है, और जैसे कि मोटर का रनिंग RPM 1500 RPM है, तो उस इंडक्शन मोटर की शाफ्ट पर 0 RPM से लगाकर 1500 RPM तक रन कराने तक का ही लोड होता है स्टार्टिंग के समय। और यदि उस इंडक्शन मोटर पे कोई गियर बॉक्स कनेक्ट है या फिर पुली कनेक्ट है, जिससे कि कोई थ्रेसर कनेक्ट है या फिर मोटर की शाफ्ट से कोई मशीन कनेक्ट है, और जैसे ही कोई आटा चक्की भी कनेक्ट हो सकती है, तो इंडक्शन मोटर की पुली से जो मशीन कनेक्ट है या फिर गियर बॉक्स कनेक्ट है, तो उसको रन कराने तक का ही लोड होता है स्टार्टिंग के समय। और सबमर्सिबल मोटर जो होती है उसमें जैसे कि सबमर्सिबल मोटर का रनिंग RPM 1500 RPM है, तो उसमें सबमर्सिबल मोटर को जो कि डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है, तो सबमर्सिबल मोटर में 0 से 1500 RPM तक रन करने का लोड भी होता है, और 0 से 1500 RPM तक रन करने के साथ साथ उसे लोड भी उठाना होता है, जिससे कि सबमर्सिबल मोटर पर अधिक लोड होता है स्टार्टिंग के समय। और अधिकतर इंडक्शन मोटर भी ऐसी होती है जो डायरेक्ट लोड पर स्टार्ट होती है, जिसमें कि इंडक्शन मोटर की शाफ्ट पर लोड कनेक्ट होता है और वह लोड पर ही स्टार्ट होती है। तो इसमें भी इंडक्शन मोटर को 0 से 1500 RPM तक रन करने के साथ साथ लोड भी उठाना होता है, जिससे कि यह मोटर भी अधिक एम्पियर ले सकती है स्टार्टिंग के समय। और दोस्तों, इंडक्शन मोटर जो होती है वह कंट्रोल पैनल से अधिक दूरी पर नहीं होती है, लगभग 20 से 30 फीट की दूरी पर ही होती है, जिसमें कि इंडक्शन मोटर
कि कंट्रोल पैनल से केबल की दूरी भी कम होती है, लगभग 20 से 25 फीट की दूरी होती है, जिससे कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। और जो सबमर्सिबल मोटर होती है वह बोरवेल में होती है, जो कि 400 फीट से लगाकर 600 फीट या फिर 1000 फीट पे भी हो सकती है, जिससे कि उसमें कंट्रोल पैनल से मोटर के बीच की दूरी अधिक होती है, जिसमें कि केबल की लंबाई अधिक होने के कारण केबल में वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है, जिससे कि उसमें स्टार्टिंग के समय अधिक लोड लेती है। कंट्रोल पैनल से मोटर के बीच की अधिक दूरी होने के कारण केबल अधिक लंबी होने के कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, जिससे कि मोटर अधिक एम्पियर ले सकती है स्टार्टिंग के समय। और दोस्तों, इंडक्शन मोटर अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, फैक्ट्रियों में यूज़ होती है, जिससे कि वहाँ पर वोल्टेज इम्प्रूव किए हुए होते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूव किए हुए होते हैं, जिस वजह से मोटर को वोल्टेज और पावर फैक्टर बराबर मिलते हैं, जिससे कि मोटर अधिक लोड नहीं लेती है स्टार्टिंग के समय या फिर रनिंग के समय अधिक लोड नहीं पड़ता है मोटर पे, क्योंकि मोटर को बराबर वोल्टेज मिलता रहता है, बराबर पावर फैक्टर मिलता रहता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव किया हुआ होता है, जिस वजह से इंडक्शन मोटर कम लोड लेती है या फिर कम लोड पर रन होती है, कम एम्पियर पर रनिंग करती है। और जो सबमर्सिबल मोटर होती है वह लगभग गाँव में या फिर खेती के लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए अधिकतर यूज में होती है, जिस वजह से वहाँ पर 11 केवी की लाइन भी लंबी होती है और उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, और वहाँ पर बराबर वोल्टेज नहीं मिलता है या फिर वोल्टेज इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। पावर फैक्टर और वोल्टेज इम्प्रूव नहीं होने के कारण भी सबमर्सिबल मोटर अधिक लोड लेती है या फिर अधिक लोड पर स्टार्ट होती है या फिर अधिक लोड पर रन होती है, जिसमें कि मोटर को बराबर वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से भी सबमर्सिबल मोटर अधिक लोड पर स्टार्ट हो सकती है या फिर अधिक लोड पर रन होती है। तो दोस्तों, सबमर्सिबल मोटर स्टार्टिंग के समय यदि 2 गुना एम्पियर भी लेती है और रनिंग के समय 10-15 सेकंड के बाद यदि रनिंग के समय सबमर्सिबल मोटर का एम्पियर कम हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सबमर्सिबल मोटर लगभग 2 गुना तक एम्पियर ले सकती है। तो दोस्तों, इसी कारण से सबमर्सिबल मोटर इंडक्शन मोटर से अधिक एम्पियर पर स्टार्ट होती है या फिर अधिक लोड पर स्टार्ट होती है, या फिर स्टार्टिंग के समय सबमर्सिबल मोटर इंडक्शन मोटर से अधिक एम्पियर लेती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।